नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। होली का फेस्टिवल आ रहा है और होली के फेस्टिवल में गुजियां बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो गुजियों का पता नहीं वो कैसे बनेंगी, बट मैंने आज मावा बनाया है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए मेरा मावा कितना सॉफ्ट है, बहुत अच्छा बना है। थैंक गॉड फर्स्ट ट्राई में बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एक देसी घी, एक मिल्क पाउडर और दूध की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। एक नॉनस्टिक की पैन लेना है और फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है, बिकॉज़ जो हमारा मिल्क पाउडर है वो स्टिक हो जाएगा। यहाँ मैंने 3 चम्मच देसी घी के लिए हैं, और अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो जो भी घी आपके पास अवेलेबल होगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे और दूध को घी के साथ प्रॉपर मिक्स करेंगे। यहाँ देखिए दूध और घी जो है प्रॉपर मिक्स हो गया है, तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। मैंने 2 कप का इस्तेमाल किया है, मैंने 1 by 1 डाला है यहाँ पे, ताकि कोई लंप क्रिएट ना हो और मैं जैसा मावा चाहती हूँ वैसा बने। तो मैं इसको कंटिन्यू स्टर करूँगी। मेरा पहला कप अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं इसमें दूसरा मिल्क पाउडर का कप जो है वो डालूंगी। मुझे ऑलमोस्ट 7 to 10 मिनट्स लगे हैं इसको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। मेरा ये जो मावा का मिक्सचर है ये अब पैन छोड़ने लगा है। वाओ, देखिए मेरा मावा बिल्कुल रेडी है। अब हमें गैस जो है बंद करना है और इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड फाइनली देखिए मेरा मावा कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।